दोस्तों यह वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ सेंट्रल विजिलेंस डिपार्टमेंट की तरफ से जो सर्टिफिकेट इश्यू किया जा रहा है उसे कैसे आप इश्यू कराएंगे और कैसे डाउनलोड करेंगे, इस वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ। उसके साथ साथ इस सर्टिफिकेट के क्या क्या फायदे होंगे, किस काम आएगा यह सर्टिफिकेट, इसके बारे में भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो बस आप इस वीडियो को लाइक कर दो एंड कंटिन्यू गाइस इस वीडियो को देखते रहो। दोस्तों सबसे पहले आपको इस वाली वेबसाइट पर आना है, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहां पर आप देख सकते हैं सेंट्रल विजिलेंस कमीशन यानी कि केंद्रीय सतर्कता आयोग की तरफ से यह सर्टिफिकेट इश्यू किया जा रहा है। किसके लिए किया जा रहा है? करप्शन फ्री इंडिया फॉर अ डेवलप्ड नेशन, इसके लिए दोस्तों यह सर्टिफिकेट यहां पर बनाया जा रहा है। अब दोस्तों आपको बता दूं, इस सर्टिफिकेट को आप दो तरीके से जो है इशू करा सकते हैं। अगर आप चाहें नागरिक के रूप में भी करा सकते हैं या फिर अगर आपका कोई संगठन है तो उसके रूप में भी आप इस सर्टिफिकेट को इशू करा सकते हैं। उसके साथ साथ नीचे आएंगे तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं करोड़ों लोगों ने इस सर्टिफिकेट को बनवा रखा है, इशू करवा रखा है और कितने संगठन ने करवाया है उसके बारे में भी यहाँ पर पूरा का पूरा मेंशन किया गया है। यहाँ पर आप सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं बनने के बाद और आप इसे चाहे अपने मोबाइल पर भी सेंड कर सकते हैं। अब इस सर्टिफिकेट को कैसे आप इश्यू कराएंगे, कैसे आप बनाएंगे उसके बारे में मैं आपको पूरा बता देता हूं। तो सबसे पहले अगर आप नागरिक के रूप में बनाना चाहते हैं तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक फॉर्म आएगा जहां पर आपको अपनी बेसिक डिटेल एंटर करनी है। तो आपके नेम के आगे जो भी टाइटल लगाते हैं आप उसको यहां से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपका कंप्लीट नेम जो आपके डॉक्यूमेंट में है वो आपको यहां पर डाल देना है, ठीक है। उसके बाद यहां से आपको अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मेल फीमेल, ठीक है, यहां पर आप सेलेक्ट कर लीजिए। नीचे दोस्तों आपको अपना आईडी प्रूफ सेलेक्ट करना है, आप कौन सा आईडी प्रूफ देना चाहते हैं, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड या फिर अदर, यानी कि अदर में आप आधार कार्ड वगैरह भी दे सकते हैं। तो यहां पर दोस्तों आपके हिसाब से जो भी चाहिए वो सेलेक्ट कर लीजिए और उसका नंबर आपको यहां पर डाल देना है। जो भी डॉक्यूमेंट आप सेलेक्ट करेंगे यहां पर आपको पूरा जो है उसका नंबर डाल देना है। उसके बाद नीचे दोस्तों आपको अपना जो डेट ऑफ बर्थ होता है उसको भी कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके अपना सेलेक्ट कर लेना है। यहां पर आप देख लीजिए आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है आप यहां पर सेलेक्ट कर लीजिए इस प्रकार से। उसके बाद दोस्तों आप जहां पर भी रहते हैं वहां का दोस्तों आपको यहां पर पिन कोड डालना है, ठीक है। आप जिस भी एरिया में रहते हैं वहां का आपको यहां पर पिन कोड डालना है। जैसे दोस्तों आप यहां पर अपना पिन कोड डाल देते हैं, इस प्रकार से हम पिन कोड डाल लिए हैं। अब यहां पर दोस्तों जो नीचे स्टेट और डिस्ट्रिक्ट होता है ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाता है, पिन कोड के हिसाब से जो भी आपका रहेगा ऑटोमेटिक ये आ जाएगा। अब सिंपली आपको करना क्या है, नीचे आना है और यहां पर दोस्तों आपको अपना ईमेल आईडी डालना है, जो भी ईमेल आईडी है यहां पर डाल दीजिए। उसके बाद यहां पर आपको एक चालू मोबाइल नंबर देना है जो एक्टिव हो क्योंकि ओटीपी वगैरह भी आएगा। यहां पर ये सभी फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको यहां पर भाषा के चयन के लिए आगे बढ़ने के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे अब आपको यहां पर अपना लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, आपका कौन सा लैंग्वेज है। तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको अलग अलग टाइप के लैंग्वेज देखने को मिल जाएंगे जिसमें हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी, मतलब कि अलग अलग लैंग्वेज दिया गया है। जो भी आपका लैंग्वेज है उसे आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। इस पर जैसे आप क्लिक करते हैं आपके सामने यहाँ पर दोस्तों एक प्रतिज्ञा लिखी हुई आती है, आप यहाँ पर देख सकते हैं नागरिकों के लिए सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा। तो ये जो प्रतिज्ञा है दोस्तों इसे आपको अच्छे से रीड करना है, ऐसा नहीं है कि आपने ऊपर ऊपर से रीड कर लिया, आपको पूरा लाइन बाय लाइन आपको पूरा पॉइंट रीड करना है और इसे दोस्तों आपको समझना है, ठीक है। जो भी यहाँ पर लिखा गया है ये अच्छे से रीड करने के बाद आपको क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है। मैंने प्रतिज्ञा ली, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर दोस्तों चयन करना है कि आपको इसके बारे में कहाँ से पता चला है, ठीक है। तो यहाँ पर आप दोस्तों डिजिटल मीडिया ये जो दिया गया है ऑप्शन इसके ऊपर क्लिक कर लेना, ठीक है। बाकी के ऊपर भी आप क्लिक कर सकते हैं, उसके बाद आपको आगे करना है और यहाँ पर दोस्तों आपको अपना ओटीपी डालना है जो आपके मोबाइल नंबर पर भेजा गया है। ओटीपी डालने के बाद दोस्तों आपको सिंपली सबमिट के बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट करते हैं आपका जो सर्टिफिकेट है दोस्तों वो इश्यू हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका सर्टिफिकेट यहाँ पर इश्यू हो चुका है जिसमें आपका नेम होगा एंड यहाँ पर दोस्तों स्कैन वगैरह होगा, सिग्नेचर वगैरह भी होगा, आप यहाँ पर पूरा देख सकते हैं। जो लैंग्वेज आपने सिलेक्ट किया रहेगा उसी लैंग्वेज में आपका सर्टिफिकेट रहेगा। यहाँ से दोस्तों आप सर्टिफिकेट को डाउनलोड
कर सकते हैं, प्रतिज्ञा को डाउनलोड कर सकते हैं, सब कुछ दोस्तों यहाँ पर डाउनलोड करने का ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पर हम जो है अपने इस सर्टिफिकेट को फटाफट डाउनलोड कर लेते हैं अपने डिवाइस में। तो डाउनलोड करने का ऑप्शन यहाँ पर है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यह सर्टिफिकेट दोस्तों आपके डिवाइस में डाउनलोड हो जाएगा। और कुछ इस प्रकार से दोस्तों आप इस सर्टिफिकेट को प्रिंट करा सकते हैं, प्रिंट कराने के बाद इसे आप अपने घर में रख सकते हैं। देख सकते हैं दोस्तों कितना कमाल का ये सर्टिफिकेट दिख रहा है। इसमें दोस्तों आपका नेम एंड सब कुछ यहाँ पर डिटेल में मेंशन किया गया है। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि जो सचिव हैं उनके यहाँ पर सिग्नेचर भी दिया गया है, आप यहां पर देख सकते हैं। तो ये सभी के सभी दोस्तों आप सर्टिफिकेट को इस प्रकार से बनवा सकते हैं, इश्यू करवा सकते हैं और उसे प्रिंट करा के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो समझ गए दोस्तों आप इस सर्टिफिकेट को कैसे इश्यू कराएंगे और कहां कहां आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपको दोस्तों यह वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करना, साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।